कांग्रेस नेताओं ने किया प्रेस वार्ता, श्री बंसीधर नगर। केंद्र की मोदी सरकार अलोकतांत्रिक तरीका अपनाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। अडानी मामले पर कांग्रेस द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई व अडानी मामले को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए तैयार है। उक्त बातें कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुरेंद्र नाथ चौबे ने कहा कि 2 वर्ष पुराने केस में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने, बंगला खाली कराने व सदन के विपक्ष पर अलोकतांत्रिक व्यवहार के विरुद्ध कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा कि केस तो बहाना है, अडानी को बचाना है। इसके लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह अडानी मामले में किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शैलेश चौबे ने कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे पर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल जी ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटे जाने के खिलाफ लगातार भाजपा से सवाल पूछते रहे। उनके सवालों से घबराकर भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता के हित सवाल पूछते रहेगी तथा भाजपा के इस कृत्य को देश की जनता के बीच लाकर जाएगी। कांग्रेस महासचिव ओम प्रकाश चौबे ने कहा कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त है, इस दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। प्रेस वार्ता में जिला महासचिव ओम प्रकाश चौबे, प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रसाद, 20 सूत्रीय प्रखंड उपाध्यक्ष ईश्वरी चौधरी, संतोष प्रकाश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश में जो आज भाजपा ने मोदी सरकार के द्वारा और लोकतांत्रिक तरीका अपना करके लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, उसमें देश का जो 4 स्तंभ माना जाता है, उस 4 स्तंभ पर साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रही है। देश का संसाधन जो है हमारा औने पौने दाम पर बेच करके कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ दे करके सरकार अपनी तथा अपनी पार्टी का विस्तार और देश का बंटाधार करने पर तुली हुई है। देश में जो आज व्यवस्था है, सरकार है, ज्यादा तो नहीं कहना चाहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज जो सरकार है वो चाइना की तरह सरकार चल रही है। चाइना में सत्ता पर बैठ करके लोग जिंदगी भर ताउम्र सत्ता चलाना चाहते हैं। आज उसी नीति के तहत भाजपा नीत मोदी सरकार के द्वारा वही तरीका अपनाया जा रहा है और हमारे देश के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो विकास पुरुष हैं, उन सबों को दबा करके सरकार वही सत्ता पाना चाहती है। सरकार का काम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का होता है लेकिन आज सरकार के द्वारा लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स ठोक कर, नौकरी छीन कर, व्यवसाय चौपट करके विकास की बात भूल करके लोग अपना किसी तरह जीवन बसर करने में लगे हुए हैं। देश की आबादी बेहिसाब बढ़ रही है लेकिन सरकार उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि जब लोग आ रहे हैं तो जिंदगी कैसे जिएंगे। सरकार केवल अपनी बात मान करके अपनी सरकार को बचाने के लिए ही हित में काम कर रही है। देखिए, एक मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि भगवान राम का भी वनवास हुआ था, अंततः राजगद्दी उन्हीं को मिली। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म कहाँ हुआ था आप लोग जानते हैं, अंततः भगवान कृष्ण वही हुए। हिरण्यकश्यपु को जलाया गया लेकिन हिरण्यकश्यपु बच गए, अंततः नाम हिरण्यकश्यपु का हुआ। तो हमारी कांग्रेस भी उसी तरह है और हमारे कांग्रेस के सारे नेता भी उसी तरह हैं, जिससे कि कोई कितना दबाए, कितना लूटे, कितना परेशान करे लेकिन देश की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पैसा किसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है आज मोदी सरकार के द्वारा, वो पैसा अगर विकास में लगा दिया जाता तो आज देश का कितने जनता आबाद हो जाते। आज हमारे राहुल जी का जो मकान खाली कराया गया है, अभी आडवाणी जी उसी मकान में है, आज के डेट में क्या है? जोशी जी आज सरकारी भवन में है, आज के डेट में क्या? भाजपा के कितने नेता सरकारी आवास में? सुब्रमण्यम स्वामी है उसी मकान में।
और परिवारवाद के बारे में मैं एक बात बता दूं, एक कांग्रेस का परिवारवाद नहीं है, एक कांग्रेस के कर्म का परिवारवाद है। आज लोग परिवारवाद बोलते हैं ना, कर्म का परिवारवाद है, शहादत का परिवारवाद है। लेकिन अगर बीजेपी का परिवारवाद अगर देखेंगे तो पिछले जितने भी परिवारवाद हुआ है वो सारे के सारे परिवारवाद लजा जाएंगे, शर्म से हो जाएंगे। इसलिए देश में सत्ता में कांग्रेस का रहना जरूरी है, तभी कांग्रेस के साथ देश का विकास होगा और जनता खुशहाल रहेगी। धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया के सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार है। जिस भूमि पे आए हैं वहाँ के राजा और हम लोगों के पूर्व विधायक भी यहाँ हैं, इनका भी अभिनंदन है। भाई शैलेश जी हैं, ईश्वरी जी हैं, मुन्ना जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, सबों को मेरा अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अडानी मुद्दे पर जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया और देश के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए जब राहुल जी ने लगातार सड़क से लेकर सदन तक 22,000 करोड़ रुपए अडानी के पैसे का हिसाब मांगना शुरू किया, तो आवाज़ को बंद कराने के लिए साल भर से बंद है केस। जो केस करता है वही आवेदन दिया है कोर्ट को कि केस को बंद कर दिया जाए, और एकाएक जज बदल करके ये किया वहाँ पर, और उसको 2 महीने के अंदर द्रुत गति से सजा दे दी जाती है। मेरा मानना है कि केस तो बहाना है, अडानी को बचाना है। शब्दों की बाजीगरी है इनकी, सब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मीडिया चौथा स्तंभ है। जब सदन में विरोधी दल पूछता है कि चाइना बॉर्डर का आप हिसाब दे दीजिए, तो इनके नेता निकल के बोलते हैं कि सेना के शौर्य का अपमान हो गया। अब आप लोग ही सब आप बता दीजिए कि विरोधी दल के नेता को सदन में मांगने का हक है कि नहीं, कि चाहे जब चाइना बॉर्डर पे कुछ हो रहा है तो क्या हिसाब बताओ क्या हो रहा है। किसी भी सवाल का ये जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये शब्दों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। सारा चीज बिक गया जो भी ये था स्थापित किया हुआ, रेल एयरपोर्ट समूचा उपक्रम बिक रहे हैं, बेरोजगारी से लोग दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस इन सब चीजों से आहत है और सड़क से लेकर सदन तक जनता के इन ज्वलंत समस्याओं को लेकर, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, अडानी अंबानी को बचाने का सवाल हो, मेहू चौकसी और विजय माल्या को भगाने का सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन का बिगुल कांग्रेस हाईकमान ने फूका है, और याचना नहीं अब रन होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक राजा साहब को देता हूँ। मिलेनियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, प्री नर्सरी टू 11, यस, प्री नर्सरी टू 11, एडमिशन ओपन। एड्रेस, मिलेनियम पब्लिक स्कूल, पुरैनी एंड बिशुमपुर, नगर उन्तारी, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर्स। थैंक यू।